सो हेलो एवरीवन। सो आज हम पुल बैक के बारे में बात करेंगे। पुल बैक में क्या होता है, सपोज करो एक ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट की। अब उसमें आपको पता लग गया कि हाँ मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब आपको कैसे पता चल पाएगा कि अब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी, यानी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, तभी आप बाई सेल करोगे, कॉल पुट बाई करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि पुल बैक में क्या होता है कि सपोज करो एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इसमें तो आपको पता लग पाया कि हाँ मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अब आपको कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहिए या नीचे की ओर जाना चाहिए। सपोज करो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल थोड़ी सी बनना स्टार्ट हो गई, इसके बाद फिर वो रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बन गई पूरी, ठीक है, यानी कि 15 मिनट के क्लोजिंग में वो ग्रीन कैंडल बन गई रेड कैंडल से। तो आपको इतना कंफर्मेशन हो गया कि नहीं हाँ अगर रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब सेलर हावी है, इसके बाद रेड कैंडल पूरी नहीं बन पाई, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी इसका मतलब बायर हावी है सेलर के ऊपर, तो ओवरऑल बायर जीत गए। तो यहीं पर आपका कॉल अगर बाई किया होगा तो आप ऊपर सेल करोगे, यानी कॉल सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पर, एंड ये मैंने लाइव ट्रेडिंग की हुई आज, ताकि आपको समझ में आ जाए जो मेरा प्रॉफिट हुआ पुल बैक से हुआ है, एंड एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या पुल बैक होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेटअप है ये मेरा। आप लोगों ने कमेंट किया सेकंड सेटअप के बारे में, तो इसलिए मैंने सेकंड सेटअप आप लोग बता दिया। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, चलते हैं स्क्रीन पर। तो पुल बैक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पुल बैक होता क्या है। अब देखो पुल बैक का सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने यहाँ लाइव ट्रेड किया है। वहां मैंने यहाँ पर एक पुल बैक किया, एक सेकंड यहाँ पर पुल बैक किया, मैंने दो ट्रेड किया मैंने, ओके। अब देखो पुल बैक में कुछ कंडीशन बता देता हूँ कि पुल बैक देखने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सपोज करो एक रेड कैंडल बन गई, अब मैं आपको चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड किया उसी का एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज करो ये एक कैंडल बन गई, ए चलो कौन सी कैंडल मानते हैं, ये वाली कैंडल मानते हैं, ओके ये वाली कैंडल बन गई। तो आपको इस कैंडल देखने से क्या लगता है, ये कैंडल कैसी है, ये आपको बिग रेड कैंडल लगती है कि नहीं लगती है। बिग रेड कैंडल है ना, छोटी कैंडल नहीं। जैसे सपोज करो एक ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल, ऐसी कैंडल नहीं, यानी कि इसकी विक जो है इतनी लंबी नहीं है, इसकी विक एक कॉमन विक है, ठीक है, यानी कि इसको बिग रेड कैंडल हम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर बिग रेड कैंडल के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी होती है बिग रेड कैंडल, है ना, यानी कि इसकी जो वीक होती है बहुत कम होती है, फिर होती भी नहीं है, बहुत कम होती है, ओके। तो ये बिग रेड कैंडल होती हैं। जैसे छोटी कैंडल हो गई, ऐसे कैंडल हो गई, या फिर कुछ ऐसी कैंडल डॉजी टाइप की होगी, वो नहीं चलेगी। कैंडल जो होनी चाहिए एक अच्छी खासी कैंडल होनी चाहिए। अब देखो अच्छी खासी कैंडल मतलब क्या होता है कि जैसे बिग रेड कैंडल होती है, अब बिग रेड कैंडल में एक ये हम लोगों को पता लग पाता है कि एक नहीं एक रेड कैंडल में यानी सेलर जो है इसमें एक्टिव है, सेलर्स में हावी हैं बायर के ऊपर, तभी एक रेड कैंडल बनती है बड़ी। हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स को मतलब कि इतनी बड़ी कैंडल नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को बिग रेड कैंडल देखनी है, फिर बिग रेड ग्रीन कैंडल देखनी है, यानी कि बायर जो हम रिटेल बायर ना हो, उसमें एक कोई इंस्टीट्यूशनल हो, DIF हो, FIO हो, मतलब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, तभी मार्केट को ऊपर की ओर या नीचे की ओर ले जाएंगे। हम लोगों के बस में नहीं है कि मार्केट की ओर मार्केट को ऊपर की या नीचे की ओर ले जाएं, तो इसीलिए हमें कॉल या पुट बाई करने के लिए बिग रेड कैंडल देखनी पड़ती है, फिर बिग ग्रीन कैंडल में लिखनी पड़ती है। तो पहले अपनी कंडीशन होगी पुल बाई के लिए, कैंडल जो होनी चाहिए बिग कैंडल होनी चाहिए, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ओके। अब देखो सेकंड, अब सेकंड कंडीशन के बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या होनी चाहिए, जो पुल बैक होता है पुल बैक सेकंड कैंडल में होगी, जैसे बिग रेड कैंडल बन गई या बिग ग्रीन कैंडल बन गई, इसके बाद पुल बैक का सिनारियो आएगा। इसके बाद हमें कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है, वो डिसाइड करना है। तो हमें डिसाइड करने के लिए क्या करना है कि मार्केट सपोज करो एक ये रेड कैंडल बन गई, यहाँ पर एक रेड कैंडल, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ओके ये एक रेड कैंडल बन गई। अब रेड कैंडल के बाद मार्केट देखो फ्लैट ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल 9:11:30 के बाद या 11:31 में फ्लैट ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया, मार्केट ऊपर की ओर गया। ये तो कितनी वीक आपको दिख रही है ना, मार्केट ऊपर की ओर गया, इसका मतलब कि बायर थोड़ा सा इसको मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की ट्राई कर रहे थे, बट यहां से इतना मार्केट ऊपर हो गया, इसके बाद मार्केट आया फिर वहीं पर जहां पर ओपन हुआ था, इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ गया ओवरऑल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले सेलर थे अभी भी वही सेलर है। देखो सेलर होने का मतलब यही है ना कि पहले ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बने थे इसका मतलब सेलर एक्टिव थे, अभी भी रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब सेलर एक्टिव, यानी कि हम लोगों को पुट बाई करने की प्रोवाइड करने का एक कंफर्मेशन मिल गया कि हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। अब कैसे बाई करना है, कहाँ पर बाई करना है, एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट होगा, वो बाद में करते हैं बात। तो यहाँ पर एक पुल बाई का पहले सिनेरियो देख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल की बात नहीं, तो पहले आपको क्या देखना है कि पहले फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट देखो गैप अप गैप डाउन में ऊपर हो तो अपने को ट्रेड नहीं करना, अपने को उसमें मतलब कि बच के रहना है, उसमें ट्रेड नहीं करना, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, जिसमें फ्लैट ओपन हो उसी में ट्रेड करना है।
अब इसके बाद फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर रेड कैंडल पहने बन गई है, इसके बाद ग्रीन कैंडल देखेंगे कि ग्रीन कैंडल हल्का सा पुल हो, मतलब कि ग्रीन कैंडल ऊपर जाए, इसके बाद पुल बैक हो। पुल बैक मतलब यही होता है कि मार्केट जैसे पहले था, इसके बाद पुल बैक होकर मार्केट फिर वैसे आ जाए। यानी कि बायर पहले ट्राई कर रहे थे ऊपर की ओर मार्केट ले जाने का, बट बायर नहीं है जीत पाए, तो सेलर हावी हो गया, सेलर मार्केट को नीचे की ओर ले जाए जैसे पहले था। तो यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद हमें देखना है कि अगर रेड कैंडल बनेगी तभी हमें पुल बैक सिनेरियो देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर रेड कैंडल बनती है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक टिपिकल आपको देखना पड़ेगा। टिपिकल बात क्या है, तो एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब रेड कैंडल के बाद रेडी कैंडल बनेगी तभी हम लोगों को पुट बाय करना है। क्यों? क्योंकि देखो एक रेड कैंडल बनी है तो एक कंफर्मेशन मिल गया कि सेलर एक्टिव है। अब हमें नेक्स्ट कैंडल में एक कंफर्मेशन चाहिए कि वाकई सेलर अभी भी एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए हमें एक पुट बाय करना है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, फ्लैट ओपन, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहिए। इसका मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे थे बायर, बट इसके बाद इतना मार्केट ऊपर की ओर ले जाए लेकिन फिर भी सेलर एक्टिव रहे, तो सेलर ने मार्केट नीचे की ओर ले गए, तो यानी कि ये सेलर हो गए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो देखने हैं। अब ऐसे ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन कैंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ये बिग रेड बिग ग्रीन कैंडल है। देखो ग्रीन कैंडल में हैमर चलेगा और रेड, बाकी हैमर चलेगा रेड कैंडल में, ग्रीन कैंडल में, बाकी डॉजी वॉजी बिल्कुल नहीं चलेंगे। जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। ये कोई किसी मतलब कि रिटेल ट्रेडर का बना सकते हैं इतना मार्केट, ये कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते हैं। तो ये सब कैंडल नहीं चलेगी, ये भी कैंडल नहीं चलेगी, ये भी कैंडल नहीं चलेगी, ये भी कैंडल नहीं चलेगी, ऐसी कैंडल नहीं चलेगी जो मैंने बताया, उसी टाइप की कैंडल चलेगी। तो थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं कि और कौन सी, रेड कैंडल के बारे में बात कर ली, इसके बाद चलो बात कर लेते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में। एक ये देखो मार्केट है, तो एक ये देखो ग्रीन कैंडल बनी है अपनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट, अब हमें कॉल बाय करने का ऑप्शन मिल गया कि चलो कॉल बाय करना है कि नहीं करना। मार्केट देखो जहां पर ओपन हुआ, इसके बाद फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे की ओर गया, नहीं सेलर हावी थे बट मार्केट इतना ही नीचे ले पाए इस कैंडल को, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर की चला गया, यानी कि बायर जीत गए एंड अपन लोगों को कॉल बाय कर लेते तो अपन लोगों को प्रॉफिट हो जाता, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं जो मैंने आप ट्रेड किया था वो कैसे ट्रेड किया था, कहाँ पर कैंडल में ट्रेड किया था। तो मैंने जो ट्रेड किया था पुट बाई किया था दो, तो एक यहाँ पर पुट बाई किया, इस ये कैंडल बन गई तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया, एक थोड़ा सा मतलब हिंट मिल गया कि हाँ पुट बाई करने का सिनारियो बन सकता है, ठीक है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी। तो नेक्स्ट कैंडल फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल ओपन हुई, इतना ग्रीन गया, इसके बाद मार्केट फिर जहां पर ओपन हुआ था मार्केट वहीं पर आ गया, इसके बाद रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ पर मैंने पुट बाई कर लिया। अब देखो एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, इतना कंफर्म हो गया ना, अब बात कर लेते हैं एंट्री हमें कहाँ लेनी है। तो एंट्री के बारे में पहले मैं आपको बात करूं, तो मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जो है ये अपनी फ्लैट ओपन हो गई, इसके बाद जो पहली वाली कैंडल का ये हाई है, इसका हाई ये है ना लो, यानी कि हाई अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो हाई होगा और रेड कैंडल की बात करें इसका लो होगा। तो जैसे इसका लो ब्रेक करे रेड कैंडल का, ठीक है, तुरंत अपने को एक एक लॉट बाय करना। देखो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो आप एक लॉट से, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, जब आपको इस स्टडी में पकड़ अच्छी हो जाए तब आप थोड़ा सा इसको लॉट साइज बढ़ा सकते हो अपना, बट स्टार्टिंग में एक ही लॉट से ट्राई करो एंड एक ही लॉट से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अपने को एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री अपने को यहाँ करनी है, जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की ओर गिरा ग्रीन कैंडल में, इसके बाद मार्केट रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, जैसे ही इसको मतलब क्रॉस करेगा मार्केट पिछली वाली कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा, तुरंत अपने को एक पुट बाय करना है, एक लॉट का पुट, ठीक है। अब कौन सा प्रीमियम बाय करना है वो भी बात कर लेते हैं। देखो पुट बाय कर लेना है, अब अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा अपना 1:2, ठीक है, 1:2 टारगेट होगा। देखो टारगेट ये हो गया अपना 1:2, स्टॉप लॉस जितना होगा, स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस देखो क्या होगा, तो यहाँ पर एक एंट्री के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर पुट बाय किया, स्टॉप लॉस अपना होगा ये जिस कैंडल में हमें पुल बैक देखना है, यानी कि इसकी नेक्स्ट कैंडल में हमें पुल बैक देखना है, ये वाली कैंडल को हमने पुल बैक देखा है, तो इसका जो लो बनेगा, इसका जो लो हुआ हुआ ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो इसीलिए मुझे सबसे अच्छी स्टडी अच्छी लगती है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं यार। क्यों? इसलिए प्रॉफिट होगा कि स्टॉप लॉस अपना बहुत छोटा सा होता है। देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, बस इतना अपना स्टॉप लॉस है इतना, है ना, मुश्किल से 10 पॉइंट 11 पॉइंट, अगर मैक्सिमम बात करें तो 15 16 पॉइंट होगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो इतना कम स्टॉप लॉस में अपने को प्रॉफिट इसमें ज्यादा बन सकता है। 1:2 तो अपने का मिलेगा ही मिलेगा, स्टार्टिंग फेज में 1:2 ही फॉलो करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे कैंडल मिल जाएंगे जो आपको 1:10 1:15 दे सकते हैं, एकदम मार्केट मूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बायर तभी एक प्रॉफिटेबल रहता है
जब उसको क्विक मूवमेंट मिलता है, यानी कि मार्केट एकदम ऊपर की ओर जाएगा एकदम नीचे की ओर जाएगा, तभी उसको प्रॉफिट होता है अच्छा खासा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक, मुझे इसलिए बेस्ट स्टडी लगती है क्योंकि यहाँ पर लॉस छोटा सा लॉस होता है लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए अच्छी स्टडी मुझे लगती है। तो अपने के स्टॉप लॉस ये सपोज करो बात कर लें स्टॉप लॉस के बारे में, चलो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगा दिया एंड एंट्री मैंने ले ली यहाँ पर, तो इसका जितना डिफरेंस होगा सपोज करो इसका 10 पॉइंट, एक लॉट मैंने बाई किया ठीक है, एक लॉट बाई कर लिया। अब इसके बाद एक लॉट बाई करने के लिए हमें प्रीमियम क्या लेना है, 100 रुपए से, ध्यान से सुनना, 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में हमें प्रीमियम लेना है ठीक है, 100 से 200 रुपए के बीच में हमें प्रीमियम लेना है बस, इससे ज्यादा हमें प्रीमियम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना देखो मैं आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि जो 100 से 200 रुपए के बीच में मार्केट रहता है ना, ज्यादा मार्केट मूवमेंट नहीं करता, वोलेटाइल ज्यादा नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, एवरेज रहता है। बट आप 500-600 का प्रीमियम ले लोगे तो आपका मनी भी उसमें ज्यादा लगेगा एंड उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट के आपका टारगेट के ऊपर चला जाए। इसलिए अपने को 100 से 200 रुपए के बीच में प्रीमियम लेना है, जो भी प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस पर हो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही मार्केट आएगा हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, इसके बाद 100 से 200 रुपए के बीच में एंट्री ले लिया, एक लॉट बाई कर लिया। इसके बाद सपोज करो कि 100 रुपए पर हमने प्रीमियम ले लिया एंड 10 रुपए का इसका स्टॉप लॉस था, यानी कि एक क्वांटिटी में इसका 10 रुपए का स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट का, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, सपोज करो हमने एक लॉट लिया 25 रुपए का ठीक है, 10 रुपए था तो हमारा 250 रुपए स्टॉप लॉस हुआ, यानी कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 250 रुपए जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो आपका मोर देन 500 जाएगा, क्योंकि 1:2 फॉलो करना है, तो अपन को ऐसे फॉलो करना है, सिंपल सा है ना। तो चलो एक रेड कैंडल, एक यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने थोड़ा सा मेरा लॉट साइज बढ़ा था इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आप लोगों के लिए मैंने ट्रेड किया, अभी दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ एंड 15 से आधे घंटे के अंदर पूरा प्रॉफिट हो गया पुल बैक में, है ना, क्योंकि 2 कैंडल मैंने ली थी, 2 कैंडल अच्छे मिल गए मुझे। तो पहला यहाँ पर मैंने पुल बैक लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ये बन गई पूरी, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये भी कैंडल एक रेड कैंडल बनी है, ठीक ठाक रेड कैंडल बनी है, फिर मैंने यहाँ पर एक देखा, चलो मतलब पुट बाई करने के लिए एक और सिनेरियो मिल गया, हम लोग पुट बाई कर सकते हैं इसके अगली कैंडल में। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, यहाँ पर देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट फिर ऊपर क्यों गया, इसका मार्केट इतना ऊपर क्यों गया, फिर मार्केट जैसे इसका हाई ब्रेक करता है फिर मैंने एक पुट बाई कर लिया एंड यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया, 1:2 मिल गया मुझे। तो यहाँ पर मैं अगर दिखा दूँ आपको तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है, चलो इसको ओपन होने दो, तो आज का है देखो ये, है ना, ये यहाँ पर जो काफी मैंने ट्रेड किए, ये देखो जो ट्रेड है ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट लेवल के, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं कर रहा था कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी मेरे लिए, तो ये एक्सपेरिमेंट काफी ट्रेड, बट जो मेरा प्रॉफिट हुआ था 1-6,000 का प्रॉफिट हुआ था एंड दूसरे ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था कौन सा, 1-6,200 का था एक, हाँ 1-4,000 का था, तो ये मैंने पुट बाई किए थे ठीक है, नहीं, 6,000 का कॉल ऑप्शन था, 1-4,000 का था एंड एक ये था 4,858 रुपए का, 1-4,000 का, तो इतना 8,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो ये था यानी कि 4,000 का प्रॉफिट ओवरऑल हो गया था मेरा ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये ट्रेड करने, ट्रेड इसलिए मैंने आप किया था कि आप लोग दिखा सकूँ वीडियो में कि नहीं ये वाकई प्रॉफिट होता है, ये मेरा बेस्ट बोलते हैं कि इसको बेस्ट सेटअप है पुल बैक, है ना, एंड बहुत ईजी है, मैं आपको समझा दिया कैसे ईजी है। तो बस यही ध्यान रखना है कि पुल बैक में मार्केट जैसे ग्रीन कैंडल बने, अब चलो एक रेड कैंडल के बारे में बात कर लिए, ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है जैसे एक सेटअप, अब ये देखो सेटअप जो है ये एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद हमें कॉल बाई करने के लिए एक ऑप्शन मिल गया कि चलो कॉल बाई कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे की हो गया बट मार्केट नीचे की ओर नहीं जा पाया, फिर मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, हमने कॉल बाई कर लिया, यहाँ पर हमारा आराम से 1:2 हिट हो जाएगा प्रॉफिट ठीक है, जहाँ जहाँ भी हो, यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, 1:2 अपने को 100 से 200 रुपए के जो प्रीमियम होगा उसमें 1:2 हिट हो जाएगा, वो हमारा रहेगा एंड स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा प्रीमियम में ही रहेगा, ऑप्शन चेन में ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन चेन की, तो इसको चलो एक यहीं पर बात कर लेते हैं, 35,900 का ऑप्शन दिखा लेते हैं ठीक है। तो ये हो गया, इसको चार्ट कर देख लेते हैं, 15 मिनट चार्ट कर लेते हैं, वैल्यूम को हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सपोज करो कि हमने जो ट्रेड लिया है यहाँ पर लिया है सपोज कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने जो ट्रेड लिया है यहाँ पर लिया है, यहाँ पर कुछ है नहीं, चलो ऐसे ही माउस को देख लेना, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया ठीक है। जैसे ही ट्रेड लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी पुल बैक वाली, ये कैंडल बनी, तो इसका वहां पर देखा कि मैंने हाई ब्रेक कर दिया, तुरंत यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली एंड स्टॉप लॉस जो होगा हमारा यहाँ पर, ये स्टॉप लॉस होगा ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा
इतना, सपोज करो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी 100 से 200 रुपए की, या 905 रुपए इसका है, बट ये ट्रेड नहीं है, दूसरा था, तो अपन 100 से 200 रुपए के स्टॉप स्ट्राइक प्राइस पर देखना है ट्रेड, तो यहाँ पर देख लेना है हमें यहाँ पर इतना हमारा डिफरेंस होगा, तो लगभग वही 10 से 15 लेकिन पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो आपका 200-250 रुपए का लॉस होगा बहुत बहुत एक क्वांटिटी में, एक लॉट में यानी। तो ये है, तो अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा हो, वाकई इसको सिनेरियो वैसे बैक टेस्टिंग करके देखना एंड थोड़ा सा ट्रेड करना एक एक लॉट से, अगर वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगा हो, या अगर आप बिगनर पूरी सीरीज चाहते हो, कॉल क्या होता है, बाय पुट क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक पे अच्छा रहता है, ऑप्शन मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए बिगनर से लेकर एडवांस तक, अगर आपको चाहिए पूरी सीरीज, तो 200 लाइक अगर इस वीडियो में आएंगे तो मैं आपको, मुझे लगेगा कि चलो हाँ वाकई लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है, वाकई लोग सीरियस हैं, तो 200 अगर वीडियो इस लाइक में होंगे, इस वीडियो में लाइक होंगे, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में पूरी सीरीज बनाऊंगा ऑप्शन बाय के मारे, ऑप्शन मतलब कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, तो 200 लाइक कर देना, एंड आप लोग तो एक ही लाइक कर सकते हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ वाकई ये कंटेंट यूजफुल लगता है लोगों के लिए, तो हिट द लाइक बटन, एंड अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, ओके, व्हाट्सअप शेयर कर दो, इंस्टाग्राम शेयर कर दो, ताकि जो मैं आपको फ्री में कंटेंट बता रहा हूँ, देखो जो मैंने सीखा है ना ये पेड सीखा है, फ्री में मैंने नहीं सीखा, बट आप लोगों को मैं इतने बड़े बड़े कंटेंट, मैंने देख नहीं रहा 16-17-18 मिनट शायद हो गया होगा वीडियो, तो आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो एक वैल्यूएबल कंटेंट है, तो इसमें प्रॉफिट मैंने दिखाया, ट्रेड करके भी दिखाया कि मेरा हाँ प्रॉफिट भी हुआ है, तो आपको बस यही देखना है कि लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, एंड लोगों को जरूर शेयर करना, थैंक यू सो मच।